कोरोना वायरस महामारी के इलाज में इस्तेमाल हो रही रेमडेसिविर दवा को अमेरिका ने फुल मंजूरी दे दी है के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। रेमडेसिविर ऐसी पहली दवा है जिसे स्वास्थ्य संस्थाओं ने अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमित मरीजों को देने के लिए मंजूरी दी है। अब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ संक्रमण से गंभीर मरीजों के लिए ही होता था। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इस दवा को ऐसे समय में मंजूरी दी है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर 5 दिन पहले ही सवाल उठाए थे। WHO सॉलिडेटरी ट्रायल के अंतरिम नतीजे के हवाले से बताया गया था कि कोरोना के सिलसिले में 4 दवाओं का मृत्यु दर घटाने, श्वसन को सुचारू करने और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लोपिनावीर, रेटोनोविर और इंटरफेरॉन का 30 देशों के 405 अस्पतालों में 11,666 बालिकों पर परीक्षण किया गया था। WHO के परीक्षण का मकसद यह जानना था कि वर्तमान में उपलब्ध दवाएं कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में कितनी प्रभावी हो सकती है। नतीजे से पहले पता चला कि परीक्षण के दौरान इस्तेमाल की गई दवाओं का COVID-19 मरीजों पर या तो बेहद कम असर हुआ या बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई। इस दवा का विकास अमेरिकी कंपनी गिलीड ने कुछ साल पहले किया था, तब यह अफ्रीकी महाद्वीप में कहर बरपाने वाले इबोला वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई थी। हाल के दिनों में कोरोना मरीजों पर भी इसका असर दिखा है और ऐसे में कई देशों में इसका जेनरिक वर्जन उतारा गया है। भारत में भी कुछ कंपनियों ने ऐसा किया है। वही जाइडस कैडिला ने 12 अगस्त को देश में इस दवा के सबसे सस्ते जेनेरिक वर्जन को बाजार में उतारा। इसकी कीमत 28,000 रुपए प्रति 100 मिलीग्राम है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।